हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले हम दो क्लास में लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर का पार्ट वन और पार्ट टू पे डिस्कस कर चुके हैं। आज उसी चैप्टर के लास्ट पार्ट यानी पार्ट थर्ड की बात करते हैं। आज इसी पार्ट में हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट लोकोमोशन एंड मूवमेंट पार्ट थर्ड, ठीक। आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि जो जिराफ होती है, जिराफ की गर्दन बहुत लॉन्ग होती है। जिराफ की गर्दन बहुत, उसकी नेक जो होती है बहुत लॉन्ग होती है। तो कहीं ना कहीं इंक्रीज्ड, अगर बायोलॉजिकल भाषा में समझेंगे उसे, तो इन द सेंस ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के फॉर्म में इसे समझेंगे, ठीक है। तो जिराफ की जो गर्दन होती है वो, उसकी जो नेक होती है लॉन्ग होती है। तो उसका रीजन क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि उसकी जो वर्टिब्री होगी वो लॉन्ग होगी, ठीक है। लेकिन जो उसकी सर्वाइकल वर्टिब्री जो होती है, एज द सेम अदर मैमल्स के अकॉर्डिंग उसकी वर्टिब्री जो होती है सेम होती है, यानी कि जो उसके वर्टिब्री के नंबर्स होते हैं डेट इज सेम। तो आप कह सकते हैं जिराफ हैज अ लॉन्ग नेक, ठीक। आप कह सकते हैं जिराफ हैज अ लॉन्ग नेक। उसकी गर्दन कैसी होती है, जिराफ हैज ए लॉन्ग नेक। क्यों होती है, ड्यू टू इंक्रीज लेंथ ऑफ वर्टिब्री, ड्यू टू इंक्रीज्ड लेंथ ऑफ वर्टिब्री, क्योंकि वर्टिब्री की लेंथ बड़ी होती है, बढ़ जाती है, वर्टिब्री की लेंथ बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन बट यहाँ पे नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री द सेम, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री इज द सेम। लेकिन नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री कितनी होती है, वो सेम होती है। बट नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री इज द सेम, ठीक है, एज इन द रेस्ट ऑफ द अदर मैमल, एज इन द रेस्ट ऑफ द अदर मैमल, अदर मैमल्स के जैसे एक ऐसे होती हैं, सेम होती हैं, और इनका नंबर डेट इज सेवन। सर्वाइकल वर्टिब्री नंबर कितने नंबर्स में होती हैं, सेवन नंबर्स में होती हैं, ठीक है। तो डेट इज नंबर्स इसकी कितने होते हैं, सेवन होते हैं, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज क्लियर ओके डेट, यहाँ पे जिराफ हैज अ लॉन्ग नेक ड्यू टू इंक्रीज्ड लेंथ ऑफ द वर्टिब्री, नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री द सेम एज इन द रेस्ट ऑफ द अदर मैमल्स, अदर मैमल्स के जैसे इनकी भी सर्वाइकल वर्टिब्री की जो नंबर्स होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी जो नेक होती है, ठीक है, वो इंक्रीज कर जाती है, ठीक है, बस यही इतना होता है। बाकी उसके सर्वाइकल नंबर्स जो होते हैं सेम होते हैं। देन हम बात करते हैं थोरैसिक वर्टिब्री, थोरैसिक वर्टिब्री के नंबर्स कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो आप कह सकते हैं थोरैसिक वर्टिब्री डेट इज 12 नंबर्स, कितने नंबर्स की होती है, 12 इन नंबर्स में होती है। थोरैसिक वर्टिब्री जिसको हम कहते हैं T12A फार्मूले में हम जब इसको बात करते हैं C7T12A, तो वही है थोरैसिक वर्टिब्री, 12 नंबर्स में होती है। देन नंबर ऑफ रिब्स की बात करते हैं, डेट इज 24 नंबर्स में होती है। अगर पेयर्स में बात किया जाए तो डेट इज 12 पेयर्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिब्स की बात करते हैं तो डेट इज 24। अगर ये पेयर में बात करेंगे तो डेट इज 12 पेयर, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, थोरैसिक वर्टिब्री डेट इज 12 नंबर्स, नंबर ऑफ रिब्स डेट इज 24, 12 पेयर्स, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि जो रिब्स होती है ये जो 24 नंबर्स में होती है, 12 पेयर्स में होती हैं। ट्रू रिब्स इसमें कितने कैसे होती हैं और इसमें फॉल्स कितने होती हैं, फ्लोटिंग कितनी होती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं ट्रू रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स और फॉल्स रिब्स। ये स्टूडेंट्स, यहां पे हमने नंबर ऑफ वर्टिब्री की बात किया, नंबर ऑफ
रिब्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ रिब्स हमने कितना बताया, नंबर ऑफ रिब्स 24 होते हैं, कितने होते हैं, डेट इज 24, 12 पेयर्स होते हैं, ठीक, 12 पेयर्स होते हैं, तो इसको हम लोग ट्रू रिब्स, ट्रू रिब्स कितनी होती है, ट्रू रिब्स जो होती हैं डेट इज 8, 1 से 7 को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रू रिब कहते हैं, ठीक है। अगर यहीं पे वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स की बात करें तो वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स की बात करते हैं तो डेट इज 8 एंड 9 एंड 10th जो कैसे होंगी, 8, 9 एंड 10th होंगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिब्स 24, 12 पेयर्स, ट्रू रिब्स 1 to 7 होते हैं, 1 से 7 तक ट्रू रिब्स होते हैं, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स 8, 9, 10th होते हैं, फ्लोटिंग रिब्स की बात किया जाए तो डेट इज 11th एंड 12th, ठीक, फ्लोटिंग रिब्स जो होते हैं डेट इज 11th एंड 12th नंबर की होती है, ठीक है। तो ट्रू रिब्स 1 से 7 नंबर की होती है, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स 8, 9, 10th होती है, फ्लोटिंग रिब्स डेट इज 11th एंड 12th नंबर की होती हैं, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं, रिब्स आर ज्वाइंटेड इन थोरेसिक वर्टिब्री बिहाइंड एंड स्टर्नम इन द फ्रंट, कंटिन्यू करते हैं कि रिब्स जो होती है ज्वाइंट किससे होती है, तो रिब्स आर ज्वाइंट टू थोरैसिक वर्टिब्री, 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 ठीक है, बिहाइंड पीछे से थोरैसिक वर्टिब्री से जुड़ी होगी रिब्स, एंड आगे से स्टर्नम से जुड़ी होगी, तो थोरैसिक वर्टिब्री, ठीक है, बिहाइंड पीछे से, बिहाइंड पीछे से, एंड स्टर्नम इन द फ्रंट, एंड स्टर्नम, स्टर्नम इन द फ्रंट। तो जो रिब्स होती है बॉडी की, यह पीछे से किससे जुड़ी होती है, थोरैसिक वर्टिब्री से, एंड आगे से किससे जुड़ी होती है, स्टर्नम से जुड़ी होती है, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं, कंटिन्यू, पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल पेक्टोरल गर्डल पेक्टोरल गर्डल जो होते हैं इसमें स्कैपुला जो होता है डेट इज स्कैपुला, स्कैपुला हैज ग्लेनॉइड कैविटी, स्कैपुला के पास क्या होता है, स्कैपुला हैज ग्लेनॉइड कैविटी, स्कैपुला के पास ग्लेनॉइड कैविटी होती है जो क्या करती है, आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ ह्यूमरस, जो जोड़ती है, आर्टिकुलेट विथ द हेड ऑफ ह्यूमरस, जो क्या करती है, जुड़ी होती है जाके किससे, आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। इसके अंदर कोराकॉइड प्रोसेस एंड एक्रोमियन प्रोसेस पाए जाते हैं, इसमें कोराकॉइड प्रोसेस एंड एक्रोमियन प्रोसेस पाए जाते हैं, ठीक, इसमें कोराकॉइड प्रोसेस एंड एक्रोमियन प्रोसेस इसमें पाए जाते हैं, ठीक। तो पेक्टोरल गर्डल स्कैपुला हैज ग्लेनॉइड कैविटी, आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ ह्यूमरस, कोराकॉइड प्रोसेस एंड एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक। देन हम बात करते हैं फोर लिम की, इसके आगे देखते हैं फोर लिम, फोर लिम की बात करते हैं, ये स्टूडेंट्स फोर लिम्स जो होते हैं इसमें ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, रिस्ट पाए जाते हैं, ठीक है, ह्यूमरस डेट इज ह्यूमरस, ठीक है, और
दैट इज रेडियस, अल्ना, रिस्ट, ये सभी पाए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पाए जाएंगे, इसमें पाए जाएंगे ह्यूमरस, ह्यूमरस के अंदर क्या होते हैं डेल्टॉइड रिज पाए जाते हैं, दैट इज ह्यूमरस, ह्यूमरस में डेल्टॉइड रिज आर प्रेजेंट, ठीक। इसमें डेल्टॉइड रिज पाए जाते हैं, ह्यूमरस में क्या पाए जाते हैं डेल्टॉइड रिज पाए जाते हैं, और इसी के अंदर ग्रेटर ट्यूबरकुली एंड लेसर ट्यूबरकुली पाए जाते हैं, इसी में ग्रेटर ट्यूबरकुली एंड लेसर ट्यूबरकुली पाए जाते हैं, ट्यूबरकुली पाए जाते हैं। तो ह्यूमरस के अंदर डेल्टॉइड रिज प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमरस में डेल्टॉइड रिज पाए जाते हैं, और इसमें ग्रेटर ट्यूबरकुली एंड लेसर ट्यूबरकुली पाए जाते हैं। देन अल्ना की बात करते हैं, अल्ना, अल्ना में जो होते हैं ओलीक्रॉन प्रोसेस पाया जाता है, ठीक है, ओलीक्रॉन, ओलीक्रोनोन प्रोसेस इसमें पाए जाते हैं, अल्ना में ओलीक्रोनोन प्रोसेस पाए जाते हैं। देन रेडियस की बात करते हैं, यहाँ पे रेडियस की बात करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद रिस्ट बोन की बात करते हैं, रिस्ट बोन की बात करते हैं, रिस्ट डेट इज रिस्ट, रिस्ट पोर्शन, रिस्ट में कार्पेल जो होती है डेट इज 18 नंबर्स की होती है, कार्पेल जो होती है डेट इज 18 नंबर्स की होती है। देन मेटाकार्पेल, कार्पेल डेट इज कार्पेल डेट इज मेटाकार्पेल, मेटाकार्पेल 5 इन नंबर्स की होती है, मेटाकार्पेल जो होती है डेट इज 5 इन नंबर्स की होती है, ठीक। देन उसके बाद बात करते हैं फाइलेंजेस की, जो कि 14 नंबर्स की होती है, फाइलेंजेस डेट इज फाइलेंजेस, ठीक है। ये सभी क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डेट इज फाइलेंजेस, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइलेंजेस कहते हैं, फाइलेंजेस डेट इज 14 नंबर्स की होती है, फाइलेंजेस कितने नंबर्स की होती हैं, 14 नंबर्स की होती हैं, ठीक। सो डियर स्टूडेंट्स, फोर लिम्ब में हमने यहाँ पे देखा ह्यूमरस, डेल्टॉइड रिज जिसमें पाए जाते हैं, ग्रेटर ट्यूबरिकली एंड लेसर ट्यूबरिकली इसमें पाए जाते हैं, ट्यूबरिकली पाए जाते हैं, अल्ना, अल्ना में ओलीक्रोनन प्रोसेस होते हैं, रेडियस, देन रिस्ट बोन, रिस्ट में कार्पेल जो 8 नंबर्स की होती है, मेटाकार्पेल डेट इज 5 इन नंबर्स की होती है, एंड फाइलेंजेस डेट इज 14 नंबर्स की होती है, ठीक। देन आगे बात करते हैं, यहाँ पे टोटल्स जो बोन होती है बॉडी में 206 बोन होती है, टोटल नंबर्स ऑफ बोन्स इन बॉडी डेट इज 206 इन नंबर्स, देर आर 30 बोन इन ईच फोर लिम्ब एंड हिंड लिम्ब्स। तो प्रत्येक फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब में कितने बोन्स पाए जाते हैं, 30 बोन्स पाए जाते हैं। तो आप कह सकते हैं देर आर 30 बोन्स, देर आर 30 बोन्स, देर आर 30 बोन्स, कितने बोन्स पाए जाएंगे, 30 बोन्स ईच फोर लिम्ब एंड हिंड लिम्ब, ईच फोर लिम्ब एंड ईच फोर लिम्ब एंड हिंड लिम्ब, ठीक। देर आर 30 बोन इन ईच फोर लिम्ब एंड हिंड लिम्ब कंट्रीब्यूटिंग टू 120 बोन्स, कंट्रीब्यूटिंग जो कितना करती है, कंट्रीब्यूटिंग टू 120 बोन्स, जो 120 यानी 120 बोन्स के कैलकुलेशन में आती हैं, ठीक है, कंट्रीब्यूशन में आती हैं। आउट ऑफ 206 कितने में, टू आउट ऑफ 206 206 बोन में 120 बोन यहीं से आते हैं, कहाँ से, फोर लिम्स और हिंड लिम्स से, ठीक है। तो देयर आर 30 बोन्स ईच फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स कंट्रीब्यूटिंग टू 120 बोन्स आउट ऑफ 206, ठीक। देन हम बात करते हैं पेल्विक गिर्डल इज फॉर्मेड, पेल्विक गिर्डल किससे फॉर्मेड होता है, पेल्विक गिर्डल, पेल्विक गिर्डल इज फॉर्मेड, पेल्विक गिर्डल इज फॉर्मेड बाय इलियम, ईशियम एंड प्यूबिस,
इज फॉर्मेड इलियम इस्चियम एंड प्यूबिस। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो पेल्विक गिर्डल पोर्शन होता है, जो पेल्विक गिर्डल पोर्शन होता है डेट इज फॉर्मेड बाई इलियम इस्चियम एंड प्यूबिस, जो किससे फॉर्मेड होता है, इलियम इस्चियम एंड प्यूबिस से फॉर्मेड होता है। अपटूरेटर फोरामेन इज प्रेजेंट बिटवीन प्यूबिस एंड इस्चियम। अपटूरेटर फोरामेन इज फॉर्मेड, ठीक है, इज प्रेजेंट इन बिटवीन प्यूबिस एंड इस्चियम, इज प्रेजेंट कहां पे पाया जाता है, अपटूरेटर फोरामेन इज प्रेजेंट बिटवीन किस में पाया जाता है, तो प्यूबिस एंड इस्चियम के बीच में पाया जाता है, प्यूबिस एंड इस्चियम के बीच में पाए जाते हैं, ठीक। तो अपटूरेटर फोरामेन इज प्रेजेंट बिटवीन प्यूबिस एंड इस्चियम, प्यूबिस और इस्चियम के बीच में अपटूरेटर फोरामेन पाए जाते हैं, ठीक। इट हैज एसिटाबुलम, यहीं पे कंटिन्यू देखते हैं, इट हैज एसिटाबुलम, ठीक है, इसी के पास एसिटाबुलम होता है, ठीक। इट हैड एसिटाबुलम जो कि विथ विच द हेड ऑफ हिमर विथ विच द हेड ऑफ फीमर, द हेड ऑफ फीमर आर्टिकुलेट, ठीक है ना, फीमर क्या होता है, यहीं पे आर्टिकुलेट होता है, फीमर आर्टिकुलेट्स, ठीक। तो सोडियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने देखा कि जो पेल्विक गिर्डल होते हैं इस फॉर्मेड बाई इलियम इस्चियम एंड प्यूबिस से फॉर्मेड होते हैं। अपटूरेटर फोरामेन इज प्रेजेंट बिटवीन प्यूबिस एंड इस्चियम, ठीक है। अपटूरेटर फोरामेन कहाँ पाए जाते हैं, प्यूबिस और इस्चियम के बीच में प्रेजेंट होते हैं। इट हैज एसिटाबुलम विथ विच द हेड ऑफ फीमर आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट, ठीक है। देन हम कंटिन्यू करते हैं इसको आगे, डियर स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं यहाँ पे इसके बाद कि जो टर्म एनोमिनेट्स होते हैं इज रिलेटेड टू स्केलेटन, टर्म एनोमिनेट्स रिलेटेड टू स्केलेटन, टर्म एनोमिनेट्स रिलेटेड टू स्केलेटन, ठीक है। टर्म एनोमिनेट्स जो होता है रिलेटेड किससे होता है, स्केलेटन से, दैट इज पेल्विक बोन, दैट इज पेल्विक बोन, ठीक है, जिसमें क्या पाए जाते हैं, पेल्विक बोन पाए जाते हैं, एज वेल एज फॉर ब्लड वेसल्स, एज वेल एज फॉर ब्लड वेसल, ठीक है। तो टर्म इनोमिनेट्स रिलेटेड टू स्केलेटन पेल्विक बोन्स, दैट इज पेल्विक बोन, एज वेल एज फॉर ब्लड वेसल्स, ठीक है। देन हम बात करते हैं हिंड लिम्स की, हिंड लिम्स की बात करते हैं यहाँ पे, डियर स्टूडेंट्स, जो हिंड लिम्स होते हैं, नी हैज सीसामॉइड बोन्स कॉल्ड पटेला, हिंड लिम्स की जब हम बात करते हैं, हिंड लिम्स में देखते हैं कि जो नी बोन होती है, नी बोन के पास हैज सीसामॉइड बोन, नी बोन हैज सीसामॉइड बोन,
नी बोन हैज सीसामोइड बोन, यानी कि नी हैज अ सीसामोइड बोन, ठीक है, नी हैज अ सीसामोइड बोन, नी हैज अ सीसामोइड बोन दैट इज कॉल्ड पटेला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पटेला कहते हैं, जिसको हम लोग कॉल्ड क्या कहते हैं, पटेला, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पटेला, ठीक है। नी कैप जो होता है, नी बोन्स जो होते हैं, इसमें सीसामोइड बोन हम लोग कहते हैं जिसको, और उसी को पटेला भी कहते हैं। तो फीमर इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी, जो फीमर होती है, फीमर इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी, इन द बॉडी, फीमर इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी, हैज ग्रेटर एंड लेसर ट्रंक्टर, जिसके पास क्या होता है, हैज ग्रेटर एंड लेसर ट्रंक्टर, ठीक है, जिसके पास क्या होता है, हैज ग्रेटर एंड लेसर ट्रंक्टर, ठीक है, जिसके पास क्या होते हैं, ट्रंक्टर, जिसके पास ग्रेटर एंड लेसर ट्रंक्टर होते हैं, ठीक है। देन हम बात करते हैं टीबिया, जिसको हम लोग कहते हैं सैंक, टीबिया, टीबिया, टीबिया बोन्स जिसको हम लोग कहते हैं सैंग, टीबिया जिसको हम लोग कहते हैं सैंग, ठीक, टीबिया सैंग, इट हैज नीमियल क्रिस्ट, इसी को क्या कहते हैं, इसी के पास क्या होता है, इट हैज नीमियल क्रिस्ट, नीमियल क्रिस्ट, इसी के पास नीमियल क्रिस्ट होते हैं, ठीक, इसी के पास क्या होते हैं, नीमियल क्रिस्ट होते हैं, ठीक। तो टीबिया डेट इज सैंक, इट हैज नीमियल क्रिस्ट, इसी के पास नीमियल क्रिस्ट होते हैं, ठीक। देन हम लीवर की बात करते हैं, लीवर में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास की बात करते हैं, लीवर की बात करते हैं, यहाँ पे लीवर्स में हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास एंड थर्ड क्लास लीवर, जिसमें हम लोग फर्स्ट क्लास की बात करते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ठीक। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्लास लीवर में, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास, फर्स्ट क्लास जो होती है इसकी जॉइंट बिटवीन वर्टिब्रा एंड स्किल, जो फर्स्ट होती है जॉइंट बिटवीन वर्टिब्रा एंड स्किल, जो फर्स्ट क्लास होती है इसकी जॉइंट बिटवीन वर्टिब्रा एंड स्किल, जो सेकंड क्लास होती है ह्यूमन बॉडी रेस्टिंग ऑन टॉयज, ह्यूमन body resting on toys, human body resting on toys, जो यहाँ पे third class होती है that is elbow joint of forearm, forearm, elbow, elbow joint of forearm, ठीक है, elbow ज्वाइंट ऑफ फोर आर्म। सो डियर स्टूडेंट्स, आज यहाँ पे हमने लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर को कंप्लीट किया, इसमें हमने थ्री पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट किया, इसके पहले ऑलरेडी दो पार्ट की बात कर चुके हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, आज उसी चैप्टर में कंटिन्यू हमने पार्ट थर्ड को कंप्लीट किया। सो ये चैप्टर यहीं पे फिनिश करते हैं, नेक्स्ट हम क्लास में नेक्स्ट चैप्टर की, न्यू चैप्टर की बात करेंगे। सो थैंक यू, बने रहिए, देखते रहिए वीडियो, थैंक यू, आई लव यू।